भोभा माइक मंच पर बनाइल बा बुझाता फिर से चुनाव आइल बा कि आवे वाला समय में यानी कि जब 4 तारीख के रिजल्ट निकली तो के प्रधानमंत्री के दावेदार बनी और केकरा कतना वोट मिलल बा। ये 5 सीट पर जीत हार के फैसला 3-1-1 पर होके के वाला बा। 3 सीट पर जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड के साथ 3 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल भी लड़ रहा बा। ये मल्लाह समाज मिल करके या के वोट के पैटर्न चेंज करला जैसे के जीती के हारी अगर फैसला करला। सुमन महासेठ के बैकग्राउंड जोन बा वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से होके आइल बा। भोभा माइक मंच पर बनाइल बा बुझाता फिर से चुनाव आइल बा। गोर लागतनी हेरा से अभिनंदन बा, खूटा ठोक पर रुआ लोग बानी आ फिर से माफ़ी मांगतनी। खिसियाल बनी रुआ लोग हमारा बुझा गई, लेकिन खिसपीत अपना के संगे कतना दिन रही। हम रुआ लोग के आपन हई और रुए लोग खातिर तो भारत लाइव पर खबर करतनी है। ये नु रहे खाली कि भोजपुरी में ना करतनी है। अब तो आ गई नहीं हम, अब तो माफ़ करी सब है, अब तो सुनिए देखिए समझी सब है। देखिए 2 राउंड के चुनाव हो गई बाद 3रा राउंड के चुनाव होके जा रहा बुढ़िया रुआ। जब खबर सुनो 12 घंटा के बाद लोग वोटिंग देवे खातिर लाइन लगा दी, पूरा तैयारी हो गई बा। और तैयारी में का भइल बा लोग सब रुआ लोग के बारी बारी से समझा दिले बानी। लेकिन आज जब ये तैयारी के लेकर के 3रा राउंड के जब अखबार हमारा भी आई तो अखबार में सब कुछ साफ साफ रहे कि के कतना पानी में बा और के कौना तरीका से चुनाव लड़ी, का तैयारी बा, ये सबके केकर केकर एमें भाग्य के आजमाइश बा। इस सारा बात जोन बा उ अखबार में लिखा रहे, लेकिन ना लिखा रहा तो उन बात के बताई। तो निश्चित रूप से जो ना लिखा रहे वो बात हम ही न बताई। देखिए पहला और दूसरा चरण के चुनाव में हम फिर से रुआ लोग से माफ़ी मांग लेते नहीं कि हम रुआ लोग के सोझा भोजपुरी में ना आई नहीं। ऐसे भारत लाइव पर रुआ लोग जाके देखी तो एक एक इंच इंच सेंटीमीटर तक नाप करके और बिहार के राजनीति के हर उपहलू रुआ लोग के सामने रख ले बनी। अब जबकि 2 राउंड के चुनाव हो गए, 3रा राउंड के होके जा रहा बा, एमें अपन अपन दावेदारी और दावेदारी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो रहा बा। खास करके जब 3रा राउंड के चुनाव हो जाए या वोटिंग हो जाए, ईवीएम में कैद हो जाए, ओकरा बाद लगभग आधा वोटिंग हो चुकल हुई, यानी ये तय हो चुकल हुई कि आवे वाला समय में यानी कि जब 4 तारीख के रिजल्ट निकली तो के प्रधानमंत्री के दावेदार बनी और केकरा कतना वोट मिलल बा, के कतना सीट जीत के आइल बा, कौन दल कौन गठबंधन सरकार बनावे खातिर जगह पर पहुँच रहा बा। 272 के आंकड़ा बा और आंकड़ा के पूरा करे खातिर 5 गो सीटवा जौन बा ये बड़ा महत्वपूर्ण बा। ये 5 सीट पर जीत हार के फैसला 3-1-1 पर होके के वाला बा। 3 सीट पर जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड के साथ 3 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल भी लड़ रहा बा। इमें एगो VIP के तो एगो भारतीय जनता पार्टी के, एगो CPM के तो एगो LJP के, यानी कि दोनों खेमा से 3-1-1 के लड़ाई बा। और यह लड़ाई में के आगे के पीछे जाई ये समझल बहुत जरूरी बा। रुआ लोग के पहले ही बतानी है कि यह जौन 3रा राउंड के चुनाव हो रहा बा एक में 93 वो लोकसभा बा, 11 राज्य के जना के वोटिंग होके के बा। एक में खास करके जे चाणक्य कहा ले भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहल जाला कि अमित शाह के रणनीति के कोनो काट नहीं खे, हालांकि बिहार में तो बात ना लागू होला, लेकिन उनकरो भाग्य के फैसला बा। एकरा अलावे और कई गो लोग बा जौन भाग्य के फैसला बा। इमें सबसे बड़का 3रा चरण में और बात बा कि गुजरात में निर्विरोध भी चुनाव भइल बा भारतीय जनता पार्टी के जौन उम्मीदवार रहले हैं उनका विरुद्ध कोई नामांकन ना कोई। खैर इशारा बात के लेकर के अब हम आओ तनी वो जगह पर जौन की 5 गो सीट के रुआल से बात कहनी कि 3रा चरण में जौन 5 गो सीट के वोट पड़ी काल सवेरे। वो वोट में सबसे पहला सीट बा झंझारपुर। झंझारपुर के विश्लेषण हुआ कतने जगह कई तरह से सुन ले हो कब, लेकिन एजा के विशेषता यह बा कि एजा 3 गो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो जातीय वोट बा वो फैसला करेला। झंझारपुर में मुसलमान, यादव और सहनी समाज, ये मल्लाह समाज मिल करके एजा के वोट के पैटर्न चेंज करला जैसे के जीती के हारी अगर फैसला करला। लेकिन पिछला हाल ही एक में बदल रहे ट्रेंड, जैसे रामप्रीत मंडल जीत के चुनाव आई रहन, अब के हाली सुमन महासेठ उनका विरोध में बढ़न।
सुमन महासेठ के बैकग्राउंड जौन बा उ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से होके आइल बा, लेकिन अब की हाली वो वीआईपी से चुनाव लड़ रहा। और मुकेश सहनी के कहना बा, अभी कौना एंगल से कहले है तो मुकेश सहनी बता सकेले कि सुमन महासेठ जैसे चुनाव जीती हैं, झंझारपुर के जनता जितवा के भेजी, तो वो जा कर के केंद्र में मंत्री बनी है। कैसे बनी है इधर वाले समझते बनी, सरकार बनी तो मंत्री बनी है। अब सरकार केकर बनी इहो बात को सोचे वाला बा। खैर जेकर सरकार बनी मंत्री बनावे के दावा करता रहे, और ये दावा में कितना दम बा झंझारपुर के जनता के फैसला करे के बा। हर कोई से हमनी के आग्रह जरूर करते हैं जाके रुआ वोट देवे जरूर जाई, एक एक वोट के कीमत बा। और झंझारपुर में रामप्रीत मंडल वर्सेज सुमन महासेठ के लड़ाई में एक और एंगल पैदा होता है। गुलाब यादव यहाँ से चुनाव लड़ते रहे बीएसपी के टिकट पर। गुलाब यादव के हवे उनका के बतावे के जरूरत नहीं है। गुलाब यादव ओजा के काफ़ी प्रसिद्ध मशहूर दबंग और चीज के बदले वाला, माहौल के चेंज करे वाला ओजा के नेता बा। उनकर पत्नी एमएलसी बाड़ी, खुद वो चुनाव लोकसभा के लड़ चुकल बाड़े, विधायक भी रहल बाड़े। अब जबकि वो चुनावी मैदान में उतरल बाड़े तो कितना असर डली हैं इरुआ अच्छी तरह से जानता नहीं। गुलाब यादव के जौन वोट आई वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल के राष्ट्रीय जनता दल के जितना सहयोगी दल बाड़े यानी इंडिया गठबंधन के जौन भी दल बाड़े 5 गो 6 गो, उस सब में कहीं ना कहीं वोट में सेंधमारी उनके तरफ से हुई। हो सकेला कि लड़ाई जौन 3 लोग के बीच बा वो लड़ाई कहीं शिफ्ट मत कर जाए। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के लड़ाई बा, एमें 3 नंबर पर के जाई के केकरा के 2 नंबर पर करी एकर लड़ाई बा। और लड़ाई बहुत निर्णायक मोड़ पर आ गई बा, जनता का फैसला करी ओकर वोटिंग के बाद पता चली। बात करी मधेपुरा के तो मधेपुरा में भी कुछ लोग के आक्रोश भी बा, लेकिन एजा के फैसला यादव समाज करेला। यादव समाज के फैसला करे के कारण ही एजा से हमेशा रुआ देख लो कि यादव के ही जीत भइल। एकरा में अब के हाली एक नया ट्रेंड सेट के लिए बा राष्ट्रीय जनता दल, शिक्षित एक प्रोफेसर के या से दिले बा, प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप बाड़े जैसे, और दिनेश चंद्र यादव के विरुद्ध उनका चुनाव लड़े के बाद दिनेश चंद्र यादव के लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकस या फिर नीतीश कुमार होकस लगातार कैंप कर रहे बाड़े। और साथ साथ चिराग पासवान से लेकर के जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी प्रचार में लागल बाड़े, यानी कि एकजुट होकर के एनडीए या दिनेश चंद्र यादव के जीत के दावा कर रहा बा और उकर तैयारी भी कर रहा बा। अगर बात करें सुपौल के तो इहो एगो ऐसा सीट बा जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला लगभग संभव बा। दिलेश्वर कामत जिनका कि जानता नहीं कि उनका सर पर हाथ के करवा विजेंद्र यादव के, सुपौल में जो कुछ भी होला तुती बोलेला विजेंद्र यादव के और उहे ऊजा के फैसला करे। लेकिन अब की अली के लड़ाई में विजेंद्र यादव अपना उम्मीदवार से के हटा करके अपने लड़ाई में बाड़े, और यह लड़ाई में जहाँ एक तरफ चंद्रहास चौपाल के रूप बात ले करत हो कब उनकर राष्ट्रीय जनता दल के यह मौका दे ले बा, लेकिन बैद्यनाथ मेहता या तीसरा कौन पैदा करके सिलेंडर छाप लेकर के और सीधे चैलेंज वो एजा दिलेश्वर कामत के निखन कर विजेंद्र यादव कहे बाड़े। और एजा के लड़ाई सीधे तौर पर साफ नजर आ रहा बा जना तरीका से अलग अलग समाज के रुआ लोग के याद हो कि बहुत पहले हमने के सर्वे जौन कैले रही जा वो सर्वे के हिसाब से भी या बैद्यनाथ मेहता के 85 से 90% लोग पसंद रहे। पहला पसंद में उहे बैद्यनाथ मेहता रहन और इन लोग तो बहुत पीछे रहे, लेकिन ये लड़ाई दिलेश्वर कामत से छीन के और विजेंद्र यादव खुद लड़ रहा बड़े तो निश्चित रूप से ये लड़ाई और मज़ेदार हो गई बा। चंद्रहास चौपाल के या भूमिका का हुई इहो देखे वाला बात हुई, लेकिन या बैद्यनाथ मेहता लड़ाई के एक तरफा बना दिले बाड़े और सीधी लड़ाई में दिलेश्वर कामत दूर दूर तक निकल नजर आओ, विजेंद्र यादव वर्सेज बैद्यनाथ मेहता की लड़ाई हो गई बा। चाहे समाज कोई भी हो के, अल्पसंख्यक समाज के बात कर ली, दलित समाज के बात कर ली, सवर्ण समाज के बात कर ली, या कुशवाहा समाज के लौकू समाज के बात कर ली, लौकू समाज तो पूरी तरह से इंटैक्ट बा बैद्यनाथ मेहता के चूंकि वही समाज से हुआ वेले। सवर्ण समाज भी उनका के बहुत पसंद करला चूंकि IRS रहल बाड़े 7 साल पहले वो नौकरी छोड़ के आ गई बा VRS लेकर के, लगातार पिछला कई साल से उस क्षेत्र में वो काम कर रहा बा। एकरा के लेकर के भी एजा माहौल बदले वाला लागता। अब एजा के जनता के फैसला का हुई ये देखे वाला बात हुई, लेकिन जब जब सर्वे रिपोर्ट चाहे वो भारत लाइव के सर्वे रिपोर्ट हो को या फिर अन्य जगह के
एहिया से बैद्यनाथ मेहता के ग्राफ सबसे ऊपर रहल बा। टिकट लेवे वाला के दावेदार में उनका नंबर सबसे ऊपर रहे। सारा जितना भी राजनीतिक दल बढ़े उनका सर्वे रिपोर्ट में उनका ग्राफ हाई रहे, लेकिन समीकरण के आधार पर, चीज के आधार पर हो सकेला कि उनका टिकट ना मिले लोग के कोनो दल से, या खास करके जो ना दल में रहन उकरा एक गो टिकटे मिलल तो आखिर उनका मिलो कहाँ से मिलो। ये सारा बात के लेकर के बैद्यनाथ मेहता लड़ाई में बान। तो वही अररिया के बात करी तो अररिया में प्रदीप कुमार के जिताबे खातिर खुद प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक पहुँचले नीतीश कुमार ओजा लगातार कैंप कर रहा बड़े। और एजा शाहनवाज हुसैन से उनका लड़ाई बा। शाहनवाज हुसैन के बारे में भी अगर बता दी रुआ से तो उनका परिवार में ही जबरदस्त ढंग के विरोध बा। उनका भाई सरफराज आलम उनका के हरावे खातिर हर युक्ति लगा रहा बड़न, हर प्रयास कर रहा बड़न। खास करके एजा AIMIM के भी प्रभाव बा। और वो लोग के कहना बा कि शाहनवाज हुसैन के वोट दिला से अच्छा बा कि कोई दूसरा के दे दो। एकरा अलावे भी कई गो उम्मीदवार खड़ा बाड़े जौन कि शाहनवाज हुसैन के ही वोट काटता रहे, कारण कि हिंदुत्व वाला वोट तो रुआ जानता नहीं कि एक तरफा प्रदीप कुमार के जाई, उनका जाति के उनका समाज के वोट भी उनका तरफ जाई। तो वो ये बात करी खगड़िया के, तो खगड़िया के जब बात रुआ करब तो खगड़िया में भी वर्तमान जो स्थिति बा ओकरा में एकदम चेंज आइल बा। दोनों के दोनों कैंडिडेट नया बड़े। लोक जनशक्ति पार्टी पिछला हाली भी लड़ रहे, अब की हाली भी लड़ल बा, और लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से अपन ओजा उपस्थिति दर्ज कर रहा बा। तो ओजे CPM से संजय कुशवाहा संजय कुमार चुनाव लड़ल बाड़े। हालांकि एजा विरोध के स्वर भी उठल बा। ये विरोध के स्वर में कहीं ना कहीं फायदा और घाटा दोनों नजर आ रहा बा। जितना अधिक विरोध होला कभी कभी उतने ज़्यादा फायदा हो जाला। चिराग पासवान के पार्टी से टिकट के इंतजार में बहुत सारा लोग रहे, जना में रेणु कुशवाहा से लेकर के एक लंबा फहरिस्त बा। सतीश कुमार के कितना लोग तो अलग अलग पार्टी ज्वाइन करके फिर से किस्मत आजमावे के तैयारी कर रहा बा। कोई BSP में गई, कोई कहीं गई, कोई कहीं गई, लेकिन चिराग पासवान से नाराजगी खगड़िया में नज़र तो आई, लेकिन ओकर प्रभाव का हुई कारण कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान के पार्टी या फिर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी या RLM उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के कहीं सारा कार्यकर्ता इंटैक्ट होकर के और कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के जिताबे खातिर हर उ प्रयास कर रहे बड़े। राजेश वर्मा के ग्राफ है या बड़ा बा, लेकिन अंतिम समय में फैसला का हुई जनता के करे के बा। ये पूरे विश्लेषण के तौर पर हम रुआ के बतावे की कोशिश करनी है कि तीसरा चरण के वोटिंग में ऊँट कौना करोड़ बैठी ये कहल अभी भी मुश्किल बा। लेकिन एक बात तो पक्का नजर आ रहा बा कि ऊँट अब आगे अपना रास्ता चल गई बा। जहाँ ओकरा नींद लागी वही उ करवट ली। अब करवट लेवे खातिर 3-1-1 के फॉर्मूला में केकरा के हंसाई जनता और केकरा के रोवाई ये 4 तारीख के बुझाई। आज खुटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा लेता नहीं, फिर रुआ लोग से काल भेंट हुई। काल तो जानते बनी रुआ लोग कि वोटिंग हुई और वोटिंग भैया के बाद का जनता के मिजाज भइल ये सारा चीज़ रुआ लोग के बताई। जुड़ल रहब सब है अपना खुटा ठोक पर, ऐसा ही दुलार प्यार देते रहब सब है, आशीर्वाद देते रहब सब है। गोर लगा तनी।